संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसएससी एसोसिएशन, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसएससी एसोसिएशन, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक कुमार जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर गौरव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वीर गौरव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रेम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रेम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल दो अशोक कुमार जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। वीर गौरव जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अशोक जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। हर जोर जुलम की टक्कर में, हर जोर जुलम की टक्कर में। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। जय भीम, 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 जय भीम। रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी एल भैरवा साहब हमारे साथ हैं और हम इस समय जो है राजस्थान की ऐतिहासिक नगरी जयपुर राजस्थान में क्या कहना चाहेंगे। आज बहुत गर्म जोशी के साथ में स्वागत हो रहा है प्लेटफार्म पे। देखिए अभी आपने हमारे नारे सुने जी। एक तो ये है कि हर जोर जुलम की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जी जी जी। हमारा जो राष्ट्रीय जोनल अधिवेशन अभी हुआ है उसमें हमने ये तय किया है कि जो सरकार और न्यायालय के माध्यम से हमारे आरक्षण को छीनने का प्रयास किया जा रहा है उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हर हालत में हमारे आरक्षण को संविधान को कोई छेड़छाड़ करेगा उसका डटकर मुकाबला करेंगे। ये अधिवेशन एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिवेशन था जिसमें पूरे NWR के लोग और पूरे राष्ट्रीय स्तर के हमारे पदाधिकारी राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी और हमारे अन्य पदाधिकारी आए और इसमें जो हाल ही में उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड में आरक्षण के खिलाफ जो निर्णय आया उसकी घोर निंदा करते हुए सरकार से मांग की है कि इस बारे में जल्दी ही रिव्यू पिटीशन फाइल किया जाए, संविधान संशोधन विधेयक पास किया जाए और पदोन्नति में आरक्षण को बचाया जाए, हमारा आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाए, प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण किया जाए और जुडिशरी में आरक्षण हो, जुडिशियल इंडियन जुडिशियल सर्विस का गठन हो, SC/ST का बैकलॉग भरा जाए। ये सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों ने एक रणनीति बनाई है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन के नेतृत्व में पूरे देश में पूरे जितने भी दलित आदिवासी संगठन है वो सब मिलकर के देशव्यापी आंदोलन चलाएंगे। चलिए ठीक है, इसके साथ ही हमारे साथ राष्ट्रीय महामंत्री जो है अशोक कुमार जी भी है, उनसे भी जानेंगे। बहुत खुशी है आज जो है देखा जाए तो यहाँ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जो है बड़ी गर्म जोशी के साथ स्वागत किया जयपुर में। जयपुर के जो SSC रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं उनका भी धन्यवाद देना है आपको यहाँ पे और अपनी भी बात रखनी है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, ये जो जयपुर है NWR जोन का ये मतलब जोनल हेडक्वार्टर है जी और NWR जोन का अधिवेशन अभी जोधपुर में आपने देखा पिछले कल परसों हुआ था और उसमें बहुत सारी जो अनुसूचित जाति जनजाति की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के चर्चा हुई विस्तृत रूप से और खास करके जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको अवगत कराया है कि जो आरक्षण पे जिस तरीके से न्यायपालिका के द्वारा और हमारे आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है तो आरक्षण को समाप्त करने की बात की जा रही है उसके लिए ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन दूसरे संगठनों से मिलकर सभी से तालमेल मिला करके बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेगी और साथ में ही सरकार को ये बताने का भी हमने अधिवेशन के माध्यम से कार्य किया है कि जिस तरीके से उत्तराखंड सरकार ने जो हमारे खिलाफ आदेश पारित किया है पदोन्नति में आरक्षण को लेकर के वो पदोन्नति में आरक्षण ही नहीं बल्कि समूल आरक्षण को खत्म करने की बात है तो इसको लेकर के हमने सरकार से अनुरोध किया कि इस पर पुनर्विचार याचिका दायर की जाए और साथ में ही जो संविधान संशोधन बिल भी पास किया जाए जिससे कि जो अनुसूचित जाति जनजाति का जो आरक्षण है वो सुनिश्चित हो सके। इसके साथ ही हमारे साथ जो है सर प्रेम सिंह जी भी हैं जो SSC रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन के तेजार हैं, कोषाध्यक्ष हैं, क्या कहना चाहेंगे आज जयपुर के प्लेटफार्म पे खड़े हैं जयपुर स्टेशन में? देखिए जो राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय द्वारा जो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो मुहिम छेड़ी गई है मुहिम चलाई जा रही है मैं उनके साथ हूँ, जो भी इनका आदेश होगा अनुसूचित जाति जनजाति के किसी भी स्तर का आंदोलन हो इनकी भलाई के लिए हो और सदैव मैं साथ हूँ और मैं सभी जितने भी साथी हैं सबसे अनुरोध करूँगा कि राष्ट्रीय महामंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय
के नेतृत्व में जो ऑल इंडिया एससी एसटी एसोसिएशन है इसको मजबूती प्रदान करने का कार्य करें। और जो कल का जो अधिवेशन हुआ है, अधिवेशन की सफलता के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं जो अपनी NWR की टीम है और राष्ट्रीय महामंत्री हैं, इन सबको बधाई देना चाहूँगा। सर अशोक जी, अभी देखिए यहाँ जयपुर स्टेशन पर बड़ा भव्य स्वागत हुआ है, तो उन कर्मचारी कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि जो हमारा अधिवेशन हुआ था NWR जोन का, एक बहुत बड़ा अधिवेशन था, जो पूरे देश के अंदर बहुत सारे जोन हैं, जो भी जोन है हमारे, लेकिन NWR जोन जहाँ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ के जोनल सेक्रेटरी भी है, और इसको सफल बनाने के लिए NWR जोन के तमाम कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना भव्य अधिवेशन किया और अपनी समस्याओं को मंच के माध्यम से उठाने का प्रयास किया। और एक ये जयपुर एक राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ से आरक्षण के विरोध में बहुत सारी चीज़ें उत्पन्न हुई हैं समता आंदोलन समिति के द्वारा, तो उसको भी हमने ये बताने का प्रयास किया है कि अब अनुसूचित जाति जनजाति के लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, आपकी किसी भी बात को उसका विरोध करने के लिए तत्पर हैं। और मैं खास करके जितने भी लोग हमारे NWR जोन से आए थे, जितने तमाम कार्यकर्ता तमाम अधिकारी पदाधिकारी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने अधिवेशन को सफल बनाया और अपनी बात को सरकार तक पहुँचाने में अखबार के माध्यम से सक्षम रहे, तो मैं इसके लिए सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और खास करके जो हमारी जयपुर की टीम है, जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही हैं वहाँ पर, लेकिन माननीय राम सिंह जी, विनोद जी और राम बाबू जी, अन्य जितने भी उनके साथी साथ में हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी पूरी ताकत लगाई, रात दिन एक किया, और आज जो ये स्वागत किया है हमारा, वापस लौटते हुए हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, जो आज जयपुर मंडल के लोगों ने, जयपुर जोन के लोगों ने जो स्वागत किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं केंद्रीय कार्यकारिणी की तरफ से, और कामना करता हूं कि इसी तरीके से आप लोग एकजुट रहेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। धन्यवाद। बैरवा जी, अगर अगले अधिवेशन की बात की जाए तो जो अपने SST रेलवे एसोसिएशन के अधिकारी कर्मचारी है, तो उनके लिए कब के लिए आह्वान करना चाहेंगे अगले अधिवेशन की, अगर तैयारी की बात की जाए? हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन सेंट्रल रेलवे बॉम्बे या नागपुर में करने का निर्णय लिया है। हाँ हाँ। और जब बॉम्बे सेंट्रल रेलवे में राष्ट्रीय अधिवेशन होगा अगला, तो आप देखेंगे उससे पहले आरक्षण के खिलाफ एक बड़ी लड़ाई की शुरुआत हम कर चुके होंगे। तो ये मैं अगले अधिवेशन तक के लिए हमने टारगेट किया है कि जब तक हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिंह जी, हमारे जी आपके माध्यम से देखा जाए तो यहाँ जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राष्ट्रीय महामंत्री जी का, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी का और किशन चौटाला जी का बड़ा भव्य स्वागत हुआ, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आज इस स्वागत को? बहुत अपने आप में गर्व महसूस करते हैं कि ऑल इंडिया एसोसिएशन रेलवे अमृतसर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जय भैरवा जी, राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अशोक कुमार जी, कोषाध्यक्ष प्रेम सिंह जी और अन्य जो पदाधिकारी बता रहे हैं, और हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और हम उनको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जयपुर मंडल के हर एक कर्मचारी उनके साथ है, ये जब भी आह्वान करेंगे हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं, तन मन धन का सहयोग करेंगे, जब मनने की बात आएगी तो मनने को तैयार है, लेकिन आरक्षण की लड़ाई में हम कतई कोताही नहीं बरतेंगे, हर तरह से तैयार है, और मेरे सारे कर्मचारी जो SST के वो सभी तैयार हैं और हम इनको हर तरह से मदद करेंगे, ये आगे बढ़े और संघर्ष करें, पूरी जयपुर डिवीजन की और पूरे NWR की टीम इनके साथ है और हमेशा तत्पर है और हमेशा संघर्ष करेगी। राम बाबू भी हमारे बीच में, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे, बहुत ज्यादा सहयोग किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा समर्थन किया है, तो राम बाबू जी आपसे भी जानना चाहेंगे, आज जो है यहाँ जयपुर रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं और देखा जाए तो बहुत ही सफल आयोजन हो चुका है और आपने बहुत ही सशक्त मेहनत करके इसको कामयाब बनाया, क्या कहना चाहेंगे? इस मौके पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष और सभी हमारे साथी कर्मचारीगणों का जो एक ही उद्देश्य है कि जो हमारे ऊपर की कार्यकारिणी के द्वारा जो संदेश दिया जाता है कि हमें कर्मचारियों को देश के लिए जो हितकर है उसके लिए हमें संघर्ष करना है और एकजुट होकर के सारा काम करना है, और यही कारण है कि उनके आदेशों की हम लोग अनुपालना करते हैं और जो कुछ बना उसको हमने किया और आपको अच्छा लगा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।